नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संत शिरोमणि रविदास का 647वां जन्मोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें रामबाग में हवन पूजन के साथ शोभा यात्रा शुरू की गई, जिसमें गुरु रविदास, गुरु नानक, कबीरदास, डॉक्टर अंबेडकर की झांकियां निकाली गई। कई जगह शोभा यात्रा में गुरु की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार एडवोकेट ने मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का स्वागत किया। संवाददाता कमल रावत की रिपोर्ट। जो आपने ये संत रविदास जी का कार्यक्रम किया है, इसका क्या मकसद है? अब ये आप कब से करते चले आ रहे हैं? ये शाहजहाँपुर में 1948 से एक गुरु रविदास सभा बनी थी, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। सामाजिक कार्य के साथ साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस संस्था के द्वारा एक मंदिर की स्थापना कराई गई, जो कि बहादुरगंज में गुरु रविदास के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही गुरु रविदास पूजा स्थल रामबाग मिश्रीपुर में कमेटी के द्वारा बनवाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों को अधिकार दिलाना, जो अगर उनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उस सुविधा को दिलवाना इस कमेटी का मकसद है। बच्चों को पढ़ाना, शादी बारात कराना, कई शादियाँ इसमें कराई भी गई हैं। हर साल शादियाँ कराई जाती हैं। और मेन मकसद है गुरु रविदास जी का जो मंत्र था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अपने मन को साफ रखें, चरित्र को साफ रखें, इनके विचारों को हम जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत सुंदर सी झांकियों को लेकर के जुलूस के रूप में शोभा यात्रा निकालते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को व्यक्त करने का काम करते हैं। और जब जनसभा होती है, उसमें सब लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने किस तरह के से भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और चरित्रवान बनाने के लिए जो जो कहा है, वो सब जो विद्वान वक्ता होते हैं वो बताते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।